अफ्रीका दौरे पर जाने के लिए भारतीय टीम थी पूरी तरह से तैयार, लेकिन कोविड-19 ने कर दिया अटैक, जिसके चलते सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव हो रहे हैं बार बार। जी हां नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। टीम इंडिया साल 2021 की अंतिम सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली थी, जहां पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारतीय टीम अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली थी, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 10 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले थे, जिस दौरान 3 टेस्ट 3 वनडे और 4 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी थी। पूरा का पूरा कार्यक्रम भी बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड ने मिलकर आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया था, लेकिन कोविड-19 के नए वेरिएंट की वजह से यहां पर इस सीरीज के कार्यक्रम में हमें काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। जी हां, यहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम बदला जा चुका है। बीसीसीआई की अभी हाल ही में मीटिंग खत्म हुई, जहां पर भाई नंबर ऑफ मैचेस भी चेंज हो चुके हैं, शेड्यूल भी यहां पर पूरी तरह से बदल गया है। और इस वीडियो में हम भारत और अफ्रीका के बीच होने वाली सीरीज की जितनी भी नई इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन को 1x1 पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सीरीज का पुराना कार्यक्रम था उसके मुताबिक कुछ ऐसा सीन होने वाला था कि भाई 8 दिसंबर को भारतीय टीम अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होने वाली थी और 17 दिसंबर से सीरीज की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन आप सभी को पता है कि भाई अफ्रीका में फिलहाल कोविड-19 का नया वेरिएंट बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है, जिसके चलते वहां का पूरा क्रिकेट यहां पर पूरी तरह से ठप हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ऐसा चाहता है कि भाई भारतीय टीम अफ्रीका के दौरे पर जाए। बीसीसीआई ने ऐसा कमिट किया कि भाई वहां पर यह सीरीज डेफिनेटली होगी, तो ऐसे में यहां पर बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन हमें यहां पर फाइनली देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले तो बीसीसीआई ने अपने लेटर में ऐसा लिखा था कि भाई ये जो सीरीज है इसको यहां पर थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, भाई 1 वीक यहां पर इसको पोस्टपोन किया जाए, 1 वीक के बाद भारतीय टीम रवाना हो। लेकिन भाई अब जो फाइनल अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय टीम अफ्रीका के दौरे पर तो डेफिनेटली जाने वाली है, लेकिन जो T20 सीरीज होने वाली थी, जी हां, जो अंत में 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी थी, उस T20 सीरीज को यहां पर मतलब बाद में शेड्यूल करने के बारे में फिलहाल बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका विचार कर रहे हैं। टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय टीम अफ्रीका दौरे पर तो जरूर जाएगी, लेकिन वहां पर जाकर केवल 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो भारतीय टीम का डिपार्चर का टाइम था वह यहां पर डेफिनेटली डिले हुआ है। टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर से इस सीरीज की शुरुआत होने वाली है, पहले 17 दिसंबर से होने वाली थी, अब 26 दिसंबर से होने वाली, यानी लगभग 7-8-10 दिनों का यहां पर गैप पड़ा है। लेकिन भाई अब यहां पर इससे यह भी कंफर्म हो गया है कि भाई भारतीय टीम भी यहां पर जो पहले 8 दिसंबर को जाने वाली थी वह लगभग 15 दिसंबर को अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होगी। और भाई जैसे ही यहां पर इस टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके मुताबिक इन हालातों में क्या भारत और अफ्रीका के बीच यह सीरीज होनी चाहिए या फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।